हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिंदेस किचन। और आज मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ और एक नए रेसिपी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक स्नैक की रेसिपी जो कि गुजरात में बहुत ही फेमस है। दोस्तों, तो आज की रेसिपी है गुजराती ढोकला। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं लूँगा एक कप बेसन, रोस्टेड की फ्लावर दोस्तों एक कप लूँगा, और उसके हिसाब से मैं लूँगा पानी धीरे धीरे मैं डालूँगा दोस्तों, जिससे कि कंसिस्टेंसी मुझे मालूम हो और उसे लगातार मिक्स करना चाहिए ताकि बेसन के बैटर में लम्प्स ना हो। दोस्तों, फ्रेंड्स मैंने बेसन का बैटर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही रखना चाहिए हमें इसे। सो मैं लेता हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है शुगर दोस्तों। तो शुगर मैंने एक टेबलस्पून लिया है, और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सॉल्ट दोस्तों। सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लूँगा लेमन सॉल्ट दोस्तों, बस एक 1/4 टीस्पून इसे लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारे अगले इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हुए मैं लूँगा इनो। हाँ दोस्तों, मैं इनो लूँगा इसमें। आप इसमें सोडा, खाने का सोडा या इनो दोनों भी ले सकते हैं। मैंने इनो इसलिए लिया है कि इसमें जो कि कंसिस्टेंसी हमें जो ढोकला की चाहिए वो अच्छी तरह से मिलेगी, स्पॉन्ज के टाइप में बहुत अच्छा ढोकला बनेगा इससे। और इनो लेने से इसमें हमें लेमन फ्लेवर या मंचा फ्लेवर भी इससे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर रेडी है। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसे हम रेस्ट देंगे, 2 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ज़्यादा नहीं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, मैंने गैस पे चढ़ा लिया है मेरा कुकर। तो इसमें मैंने लिया है तकरीबन एक गिलास पानी दोस्तों। पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जिससे कि पानी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हमारे जो पैन हम लगाने वाले हैं ढोकला के लिए उसमें पानी नहीं आना चाहिए। तो कुकर लगा के इसे बॉईल होने तक लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आगे बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने एक पैन या कटोरी या कुछ भी आप इस ऐसी चीज़ ले सकते हैं कि जिसमें जो चीज़ आपके कुकर में फिट हो, और आप उसमें अपना बैटर, ढोकले का बैटर डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे कि हमारा ढोकले का बैटर अच्छी तरह से निकल आए पकने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे ढोकले का बैटर।
हम इसे कुकर में चढ़ा लेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमें इसे ढक्कन ढाँप कर पकाना है और इसे लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे दोस्तों हम। सो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि मैंने कुकर की सीटी निकाल दी है। सीटी आपको कुकर की सीटी निकाल देनी चाहिए और इसे 10 मिनट तक पकाना चाहिए। इसके बाद एक दो मिनट का क्विक रेस्ट इसे देंगे और इसका आगे का प्रोसीजर इसके बाद करेंगे। सो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं मेरे कुकर को मेरा गैस करता हूँ बंद और कुकर करता हूँ ओपन। तो अब हम हमारे बैटर को कर लेते हैं एक बार चेक। सो फ्रेंड्स, देखने से तो ये रेडी दिख रहा है। तो आप इस तरह अपने नाइफ या फोक के नाइफ्स की सहायता से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा बैटर रेडी है या नहीं। अगर आपका बैटर चिपकता नहीं है नाइफ को या फोक को, तो आपका ढोकले का बैटर हो चुका है रेडी। सो फ्रेंड्स, मेरा बैटर तो रेडी है, तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक तड़का पैन जिसमें कि हम अपने ढोकले के लिए एक तड़का रेडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमें अपने तेल को गरम होने देना चाहिए। मैंने दो टेबल स्पून तेल लिया है दोस्तों। तो चलिए, मेरा तेल हो चुका है गरम, तो लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जीरा दोस्तों। तो जीरा मैंने लिया है आधा टेबल स्पून। और तो नेक्स्ट लेंगे राई दोस्तों, मैंने भी ये 1/4 टीस्पून लिया है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, नेक्स्ट हम लेंगे रेड चिलीज। तो मैंने 2 से 3 लाल मिर्चें ली है, सूखी लाल मिर्च, और क्रश किया हुआ लहसुन गार्लिक लेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट लेते हैं ग्रेटेड कोकोनट फ्रेंड्स। सूखा हुआ ग्रेटेड कोकोनट हम लेंगे और इस तड़के को रेडी करेंगे। हमें इसे जलाना नहीं है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से रोस्ट होने देना है। सो फ्रेंड्स, मेरा तड़का हो चुका है रेडी। सो अब हम इसे डाल लेते हैं हमारे ढोकला के बैटर के ऊपर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ढोकला के बैटर के ऊपर ऑलरेडी कोरिएंडर स्प्रिंकल करके रखा है। तो अब हम हमारा तड़का लेते हैं फ्रेंड्स और इसे बैटर के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करके हर तरफ डालेंगे, जिससे कि ऑयल या फ्लेवर तड़के का पूरे बैटर में समा जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमें मिले। और हम इसे इसी पैन में कट भी कर लेंगे दोस्तों, इसे पिज्ज़ा के टाइप में, पिज्ज़ा कटर नॉर्मल नाइफ के सहायता से पिज्जा के टाइप में ट्रायंगल शेप में हम इसे काट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम हमारे ढोकले को नॉर्मल पुश्तैनी तरीके से स्क्वायर शेप में काट लेंगे एक नाइफ की सहायता से। सो फ्रेंड्स, मैंने हमारे ढोकला को एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्लेन प्लेट पे निकाल लिया है और अब हम इसे गार्निश करेंगे नॉर्मल सेव के साथ दोस्तों। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये बारीक सेव। सो फ्रेंड्स, हमारा ढोकला रेडी है खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। आप इसे स्नैक के तौर पर शाम के टाइम पे या टी के टाइम पे अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ शिंदेस किचन के साथ, और करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।